हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किरण्स कुकिंग जोन। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी स्पाइसी कैफे स्टाइल वेज रैप, जो कि बहुत ही कम मेहनत में तैयार हो जाता है। और टेस्ट तो इसका ऐसा है कि अगर आपने इसे एक बार बनाकर खा लिया तो आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो देर किस बात की, रेसिपी बनाना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रैप बनाने के लिए डो तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप मैदा, यानी कि 1 कप प्लस 1/4 कप। आप चाहें तो मैदे की जगह गेहूं का आटा ले सकते हैं या फिर आधा मैदा और आधा आटा ले सकते हैं। इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 छोटा चम्मच पीसी चीनी और 1 ही छोटा चम्मच इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 छोटे चम्मच रिफाइंड ऑयल, इसे भी हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे, जैसे रोटी चपाती के लिए डो लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह इसका भी एक डो तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैंने 1/4 कप मैदा लिया था, इसमें 5 से 6 रैप बनकर तैयार होंगे। डो तैयार हो गया है। अब हाथों में थोड़ा ऑयल लेकर इसके ऊपर लगा देंगे और इसे ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। अब रैप की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। जो भी ऑयल आप कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं वो आप इसमें ले सकते हैं। इसमें ऐड कर देंगे 1/2 छोटा चम्मच साबुत जीरा, 1 छोटा चम्मच ग्रेटेड जिंजर यानी अदरक, 1 छोटा चम्मच क्रश किया हुआ गार्लिक और 1 कटी हरी मिर्च। इन सभी को लो फ्लेम पर भूनने के बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 कटोरी मैश किया हुआ बॉयल आलू और 1/2 कटोरी बॉयल मटर। मसाले भी इसमें डाल देते हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली फ्लेक्स, अगर नहीं है तो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे नमक। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे चलाते हुए, जिससे मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और सारे फ्लेवर आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। मैंने यहाँ पर बॉयल आलू में मटर डाला है। आप इसमें और भी अपनी पसंद की सब्जी डाल सकते हैं, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, बीन्स। अब लास्ट में इसमें मिक्स कर देंगे कटी हरी धनिया की पत्ती। गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल देंगे, जिससे ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। 15 मिनट हो गए हैं, आटा भी सेट हो गया है। तो इसको लंबा और चिकना करते हुए इसकी लोई तोड़ लेंगे। मैं इसे 5 बराबर भागों में बांट रही हूँ। आप चाहें तो इतने आटे में 6 लोई भी तोड़ सकते हैं, बस रैप थोड़ा पतला बनेगा। अब एक लोई लेंगे, उसे गोल गोल करते हुए चपटा कर लेंगे और उसमें मैदे का परोथन लगाते हुए बेल लेंगे, जैसे हम रोटी बेलकर तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह से बीच बीच में मैदा लगाते हुए पूरे चकले के साइज़ का पतला बेल लेंगे, क्योंकि इस रेसिपी के लिए हमें पतली और बड़ी रोटियां बनानी होती हैं। ये देखिए, इसे मैंने इतना पतला रखा है। अब इसको हम सेक लेंगे। तो इसके लिए गैस ऑन करके मैंने तवा गर्म कर लिया है। रैप शीट को इसके ऊपर डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पर रखेंगे। जब ये एक साइड से हल्का पक जाएगा तो इसे दूसरी तरफ भी पलटकर इसे हल्का सेक लेंगे। इसे हम 2 बार सेकते हैं। तो पहली बार में इसे हल्का ही सेकते हैं। ये देखें, इसी तरह से इसे दोनों साइड से हल्का सेक लेंगे। अब इसे एक कॉटन के कपड़े के ऊपर रखकर इसे हम कवर कर देंगे, जिससे इसका मॉइस्चर बना रहेगा और ये सॉफ्ट रहेंगे। इसी तरह से सारे रैप शीट को हम बेलते जाएंगे, सेकते जाएंगे और कपड़े से कवर करते जाएंगे। सभी शीट तैयार हो गई हैं। तो सभी को इस तरह से फोल्ड कर देंगे, जिससे इसमें मार्क बन जाए। फोल्ड करने के बाद इन्हें फिर से कवर करके रख देंगे, जिससे इसका मॉइस्चर बना रहे। जैसे जैसे रैप बनाते जाएंगे वैसे वैसे इसमें से हम एक एक लेते जाएंगे। रैप को अब असेंबल करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है मोमोज चटनी, ग्रेटेड प्रोसेस चीज़, सैलेड में मैंने लिया है प्याज के स्लाइस, टमाटर के स्लाइस और लंबी कटी पत्ता गोभी। इसके अलावा स्टफिंग के लिए जो मसाला तैयार किया था वो ले लिया है। एक शीट लेंगे, इसके फोल्ड को ओपन कर लेंगे।
इसके एक मार्क पर कट का निशान लगा लेंगे। रैप को फोल्ड करने से जो ट्रायंगल बने थे उसके एक ट्रायंगल पर लगा देंगे मोमोज चटनी, ये होममेड चटनी जो बहुत ही टेस्टी स्पाइसी बनी है। इस रेसिपी को बनाने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। इसके बदले आप यहाँ पर टमाटो सॉस, पिज्ज़ा सॉस या फिर सेजवान चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरे ट्रायंगल में लगा देंगे सैलेड, आप अपनी पसंद की और भी कच्ची सब्जी जैसे गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स को ऐड कर सकते हैं या फिर पसंद ना आने पे हटा भी सकते हैं। तीसरे ट्रायंगल पर लगा देंगे चीज़, चीज़ को हमेशा बेस में ही रखें, उससे क्या होगा चीज़ बहुत ही अच्छे से मेल्ट होगी। मैंने यहाँ पे प्रोसेस चीज़ का यूज़ किया है, आप चाहें तो इसके बदले मोजरेला चीज़, चीज़ स्प्रेड, चीज़ स्लाइस, कॉटेज चीज़ यानी कि पनीर, वाइट सॉस, मेयोनीज या फिर हंगर्ड यानी कि बंधे हुए दही का भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट ट्रायंगल में स्टफिंग के लिए जो मसाला तैयार किया था वो स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह कोई भी मसालेदार सूखी सब्जी भी ले सकते हैं। रैप को अब फोल्ड कर लेंगे, तो सबसे पहले जहाँ से कट किया था वहाँ से एक फोल्ड लगा देंगे, उसके बाद दूसरे ट्रायंगल पर फोल्ड कर देंगे और फाइनली कर देंगे लास्ट पर फोल्ड। देखिए इस तरह से रैप बनकर तैयार हो गया है, तो इसे एक में रख देंगे और एक मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी, ये बिल्कुल फ्री है। ये देखिए मैंने सभी टोर्टिला रैप को बना लिया है, तो अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन करके मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है, इसमें घी या बटर से इसको हम ग्रीस कर लेंगे, फिर इसके ऊपर रैप को प्लेस कर देंगे और इसे तब तक हम सेकेंगे जब तक ये एक साइड से क्रिस्पी और गोल्डन कलर के ना हो जाएं। इसके ऊपर भी घी और बटर लगा लेंगे और इसे दूसरी साइड भी इसी तरह पलट कर सेक लेंगे, इसके साइड को भी इस तरह से सेक लेंगे, सभी तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं, हमने सब तरफ से इसे सेक लेना है। इसको सेकते समय गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पर रखेंगे और इसी तरह सभी टोर्टिला रैप को हम सेक कर तैयार कर लेंगे। मैंने सेक लिया है, देखने से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं और टेस्ट तो इनका लाजवाब है ही, तो इसे आप भी अपने घर पर ज़रूर बना कर खाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसे आप लाइट डिनर में, ब्रेकफास्ट में, टी या कॉफ़ी के साथ स्नैक्स की तरह सर्व कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।